अब देखो एडमिशन अपन ने कंप्लीट खत्म कर लिया, अब अपने को रिटायरमेंट जो है, रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने एडमिशन कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लिया तो मेरा ये मानना है आपने 80% ये चैप्टर भी कवर कर लिया, क्योंकि सेम टू सेम चीजें हैं। कई तो कई क्या मतलब 60% तो सेम ही है, 40% आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। जैसे अपन ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में क्या पढ़ा था, नया पार्टनर आ रहा था तो सबसे पहले हमने ये देखा कि नए पार्टनर के आने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है भावेश। नहीं कोई बात नहीं, पीडीएफ खोलने की जरूरत है, ऑन करो ऑन करो। नहीं नहीं ऑन करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। अरे आने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो इतनी हल्की सी रोशनी आएगी एडजस्ट कर लेगा, ज्यादा रोशनी ज्यादा बेटर रहेगा। अब सुनो, जब भी अपन नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा था, सबसे पहले अपन को ये देखना था कि नए पार्टनर के आने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसको अपन को वन बाय वन करके सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना था। तो अपने वैसे ही किया, एक एक करके अपने सारे पॉइंट्स लिए, लास्ट में जाके सारे के सारे पॉइंट एक साथ आए, ठीक है। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, रिवोल्यूशन भी हो रहा है, कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, है ना। तो इस चैप्टर में भी अपने को सबसे पहले अब यही देखना है, वहां तो पार्टनर आ रहा था, अब यहाँ क्या होगा, पार्टनर यहाँ से जाएगा। जाने के दो कारण हो सकते हैं, या तो वॉल्यूंट्री रिटायरमेंट, स्वयं उसने अपना रिटायरमेंट ले लिया हो, निवृत्ति ले ली हो, और दूसरा उसकी हो गई हो डेथ, भगवान ने उसको निवृत्त कर दिया हो, ठीक है। दो ही केस हो सकते हैं। तो पहला केस अगर वो खुद फॉर्म छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, और दूसरा केस अगर उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट अपन नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे मजेदार जो पॉइंट था, ठीक है, आपके जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वो इन्होंने इस बार आपके सिलेबस में नहीं रखा, होना चाहिए था। इसी तरीके से अगला जो चैप्टर है उसमें एक सबसे मजेदार पॉइंट था गार्डनर वर्सेस मरे रूल, वो भी इन्होंने नहीं रखा, बट फिर भी मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। डिजीज का मतलब क्या था, वो डिजीज बोल रहे हो क्या, हाँ तो वो रिटायरमेंट लेगा फिर, अगर वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर एक्स्ट्रा वर्क करता है कोई पार्टनर, सैलरी कब मिलती है, आप काम करोगे तो सैलरी मिलेगी, आप काम नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। अब वो बात अलग है, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर पार्टनर की चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्स वाई जेड को भी कोई भी रीजन हो तो भी उसको हम लगातार सैलरी देंगे, तो अपन उसको सैलरी पे करेंगे। मैंने एक चीज आपको बताई थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पहले तो इस चीज को क्लियर करो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है ना, पार्टनरशिप, या इसको पार्टनरशिप डीड बोले तो ज्यादा बेटर, ठीक है। अब दिख रहा बेटा, कोई बात नहीं, सुन लो कान है, सुनो, पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी होती है। और पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट में आपने कुछ भी लिख दिया तो उसी के हिसाब से काम होगा। अब आप ये नहीं देखोगे कि भाई आपने यहां लिखा तो क्यों लिखा, क्या लिखा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि पार्टनर की डेथ होने के बाद भी सैलरी देंगे तो दो, हाँ दिक्कत आ रहा, सुनिए, अरे मैडम यहां उसको उसको भूल जाओ, आपको यहां फोकस करना, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, ये है गॉड भगवान, इसमें जो लिख दिया वो काम होगा। आपने लिख दिया है कि भाई पार्टनर्स को 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में। अब आप जो बार बार क्वेश्चन उठाते हो कि सर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, मैं एक ही आंसर दूंगा, डीड में लिखा क्या, अगर आपने डीड में लिख दिया तो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपने नहीं लिखा तो नहीं होगा, बात खत्म, पॉइंट क्लियर है। तो कहने का प्रयास यही था कि आप इस चीज पे फोकस करेंगे, आप जो नए नए पॉइंट लेके आ रहे हो कि सर अगर वो मर गया तो क्या होगा, अगर वो एक्सीडेंट हो गया तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डीड में लिखा क्या, डीड में जो चीज लिखी हुई है उसके हिसाब से आपको काम करना है, अदरवाइज उसमें जो नहीं लिखा वो चीज अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे। भवानी जी खोपड़ी में घुसा कुछ, वेरी गुड। अब देखो बस डीड क्या है, भगवान पड़े, यस यस, तो उसका इससे क्या लेना जरा, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, वो तो टाइप वो पार्टनर है कि ये किस तरीके का पार्टनर, वो इसको बताता है उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो इनके पार्टनरशिप डीड पे ही डिपेंड करेगा। मैं तो क्या कर रहा हूँ, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, जो बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाता है बस, बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जो नहीं करेगा तो डीड में लिखेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे, ये कॉमन सी चीज है। तो
तो अगेन मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अपने को चलना है। अब बात यहां आ रही है कि कोई भी अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट पर सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग में ये देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, क्या क्या समस्याएं आएंगी जिसका अपने को सॉल्यूशन करना है। ठीक है कोमल, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो अब जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं उनको अपन वन बाय वन करके वापस पढ़ेंगे और साथ में एक ओवरव्यू देने का ट्राई करूंगा अभी। ठीक है कि चीजों को माइंड में आप हाथों हाथ डाल लें ताकि जब पढ़े तो एक बार वापस हमारे लिए क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो सबसे पहली समस्या आएगी कि बाकी के पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या होगा, नया अनुपात। जैसे हमने वहां पढ़ा था कि नया पार्टनर जब आता था तो नए पार्टनर के आने पर एडमिशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर अपने हिस्से को कुछ कम करते हैं और किसको दे देते हैं, नए पार्टनर को, जिससे उनका शेयर कम हो जाता था, होता था। तो कम होने के बाद उनका नया शेयर क्या आएगा वो अपन वहां पर डील करते थे, वैसे यहां पर डील करेंगे। अब यहां क्या होगा सुनना, जब कोई पार्टनर जाएगा तो पता है यहां पर वो जो जाने वाला साझेदार है, पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस करके जाता है और रिमेनिंग जो पार्टनर है जो बच जाते हैं उनको इससे फायदा होता है। पहले ए और बी सपोज कीजिए पार्टनर थे, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, उसको आप लिंक करना किससे, रिटायरमेंट से। ए और बी पार्टनर थे, नया पार्टनर सी आया था, तो सी जितने भी हिस्से के लिए आता था सपोज कीजिए 1/4, ये हिस्सा किससे लेता था, इन दोनों से। तो इस केस में ये उसको शेयर देते थे तो ये होते थे हमारे पास सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये बेचारे क्या करते थे, सेक्रीफाइस, अपना हिस्सा कुछ कम करते थे और किसको दे देते थे, सी को। और ये क्या करता था, ये करता था गेन, इसको फायदा हो रहा था। कैसे, पहले इसको कुछ नहीं मिल रहा था, अब इसको शेयर मिलने लग गया 1/4, तो इसको क्या हुआ, गेन। अब थोड़ा रिवर्स चलते हैं, अब मैंने कहा तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3-2-1 में। अब मैंने कहा बी जो है वो फर्म छोड़ के चला गया, तो बी फर्म छोड़ के गया तो आपको नहीं लगता वो अपना 2/6 भी शेयर भी तो छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब पहले जहां प्रॉफिट को 3-2-1 में बांटा जाता था तीन लोगों में, अब अगले साल जो प्रॉफिट होगा सिर्फ दो लोगों में बटेगा, यानी तीसरे पार्टनर का जो हिस्सा है वो भी किसके पास जाने वाला, ए और सी के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो क्या करता है, तो वो सेक्रीफाइस करता है और ये अपना हिस्सा किसको देगा, कुछ देगा ए को, कुछ देगा सी को। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्या करेंगे, गेन। फिर वही चीज इक्वली, मैंने क्या बोला, इनका रेशियो होगा भाई, सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। फिलहाल आप इसमें मत जाओगे सर इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। बस चीज ये ध्यान रखो कि हाँ इसका शेयर कुछ इसको मिलेगा और इसका शेयर कुछ इसको मिलेगा, अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो अपन यहाँ प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे। अब बात करें, आएंगे उस प्रॉब्लम पे भी, बी को क्या मिलेगा। एक बात बताओ, जब यहां पर ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था तो पता है इन्होंने एक चीज की डिमांड करी सी से कि लाभ एक गुडविल। गुडविल क्या होता है पता है ना, गुडविल का सीधा रिलेशन होता है बिजनेस के प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट कम ज्यादा हुआ तो गुडविल में शेयर मांगेंगे और कौन मांगेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। इन दोनों ने कहा भाई तेरे आने से हमारा प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, गुडविल ला, इसलिए वो गुडविल ला के देता था और किसको देता था, जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसको देता था। आ रहा समझ में, हमने ऐसा भी पढ़ा कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या अपन सिर्फ एक पार्टनर को दे रहे हैं, एक को, क्यों, क्योंकि वो सेक्रीफाइस भी यही करता था उससे। तो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा, जिसका हिस्सा कम होगा किसी पार्टनर के आने या जाने पर, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, आने पर या जाने पर जिसका हिस्सा कम होगा वो गुडविल में हिस्सा लेगा। यहां क्या होता था, नया पार्टनर गुडविल लाता था और किसको देता था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इस बार क्या होगा, इस बार जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल मांगेगा, वो कहेगा ए को और बी को कि भाई देख मेरे जाने से मेरा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, अब तुम गुडविल लाओ। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन। बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। जो गेन करेगा फिर से सुनना, दोनों को लिंक करने का प्रयास करो, जो गेन करेगा वो हिस्सा देगा गुडविल में किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब वो बात अलग है, जब पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो गुडविल लाई जाती है नए पार्टनर के द्वारा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दी जाती है।
इस बार पार्टनर जा रहा है तो जो जा रहा वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गेन करेंगे वो दोनों गुडविल लाएंगे और देंगे किसको, कि ले भाई तेरा कारण हमारा हिस्सा बढ़ने वाला है, गुडविल ले जा। तो बस ये छोटा सा फर्क है, गुडविल देंगे, अब उसके रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, उसकी वाइफ आएगी, उसका बेटा आएगा, समझ रहे हो, तो उनको। तो चलिए फिलहाल इधर आइए। अब इस केस में अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन ने देख लिया कि इसके जाने के बाद ए और बी का नया शेयर क्या होगा, अभी कैसे कैलकुलेट होगा, आप सुनना मत पहले, है ना, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछो, आप बोलो। क्यों नहीं लेना चाहता मैडम, अगर प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा भाई, मेरे घर में तीन भाई हैं, एक भाई चला गया, पहले घर में तीन आइसक्रीम आती थी, अब क्या ऐसा हो सकता है उसके जाने पर अभी भी तीन ही आएगी आइसक्रीम तो, लेकिन मैंने कहा वो आइसक्रीम कौन लेगा, मैं लूंगा या मेरा भाई, मैं मना कर दूंगा, चल मैं नहीं लूंगा, वो ले लेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। शेयर लेना पड़ेगा और कौन लेगा, बाकी के पार्टनर ही उसका शेयर लेगा। तो एक चीज क्लियर है, बिजनेस में प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो सपोज कीजिए अगर हर साल एक लाख रुपए का प्रॉफिट है तो हर साल एक लाख ही होगा, पहले जहां तीन में बढ़ता था अब दो में बटेगा, डेफिनेटली बटेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने बोल दिया अभी तीसरे आदमी का हिस्सा जो है ना अपन दान कर देंगे, समझ गए। चलो तो अब यहां पर हो गया पॉइंट, हमारे पास क्या चल रहा था कि नए पार्टनर के आने पर या किसी पार्टनर के जाने पर वो अपना शेयर किसको देगा, बाकी के पार्टनर्स को, बाकी के पार्टनर को देने के बाद उनका नया शेयर क्या आएगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। अपने एक पॉइंट लिखा है उसमें पूरी रामायण गा दी आप लोगों ने, समझ रहे हो। तो पहले चीजों को सुनो और जितना आपके जानने लायक चीजें मैं समझा रहा हूं, ये चीजें है ना मैं वापस एक एक करके वापस पॉइंट लाऊं, आप कह रहे हो सर ये समझा दिया तो अभी के वो पूरा ही समझा दूंगा, ठीक है। तो जितना समझा रहा हूं उतना आपके लिए मैंने कहा ओवरव्यू देना है, वो टॉपिक खत्म नहीं करना अपने आज के, आज अभी के अभी के, लो सर न्यू रेशियो हो गया। तो बात कर ली अपने नया रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, वहां पर भी करते थे यहां पर भी करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है क्या, गेन रेशियो। अब बताओ मैंने अभी भी आपको पूरा समझाया, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, उस केस में कितना हिस्सा ए लेगा, कितना हिस्सा बी लेगा, अब मत बोलना इक्वल है कि नहीं है, कितना लेगा वो आगे डील करेंगे अपन। मैं तो समझा रहा हूं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैडम वो अगर किसी और को बेच देगा तो वो आपके फर्म में आके पार्टनर बन जाएगा, बेच सकता, डी को बेच दिया अब वो आके पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फायदे का अनुपात, गेन रेशियो क्या होगा, यहां तक कोई दिक्कत, क्या पढ़ रहे हैं अपन, नए पार्ट कोई भी पार्टनर के जाने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। पहली प्रॉब्लम नया रेशियो कैलकुलेट होगा, फिर कह रहा हूं कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा गेन रेशियो, पार्टनर के जाने पर बाकी के पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं, और यहां जो पार्टनर जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। तीसरा अपन यहां पर क्या डील करने वाले हैं, अभी अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो पार्टनर जाएगा वो गुडविल लेगा, लेके जाएगा, अब कैसे लेगा वो डील करेंगे, ठीक है। आपको क्या हर बार बताना पड़ता, अब आप यहां चल हो जाओ सर बताओ तो कैसे लेगा, तो यहां पर क्या होगा गुडविल का भी अपन क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट करने वाले, ख्याति का समायोजन। हाँ क्या कह रहे हो, यस वो आगे पढ़ेंगे, कितना लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, अकाउंटिंग क्या होगी, वैल्यूएशन क्या होगी, मैं क्या कहा आगे आगे गुडविल पढ़ेंगे अपन, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, बस इतना याद रखो गुडविल लेके जाएगा। अब मैंने कहा ना आप सोच रहे हो सर वो टॉपिक अभी के भी कराओ, कितनी लेके जाएगा, केस में लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, क्या बोला मैंने, गुडविल लेके जाएगा, बस आपके लिए इतना जानना चाहता हूं। इस टॉपिक को अपन वापस जब गुडविल में लेंगे तो इसको अपन समझेंगे, क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, नया पार्टनर जब जाएगा तो उसके जाने पर वापस अपन क्या करने वाले हैं, पुनर्मूल्यांकन करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन। अब ये कैसे होगा, ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे वहां किया था, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन की अपन को जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन होने के बाद जब पार्टनर जाएगा तो उस टाइम हो सकता है हमारे पास में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े,
कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हों, उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, दो मिनट बाद अयान आगे आके बैठेगा अभी, वही तो बताऊंगा ना, इसलिए तो आपको मैं अपने जस्ट पास में बैठा के यहाँ बैठा के बताऊंगा। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने इसको अच्छे से नोट किया हो ना तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हम कोई भी नए पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, पता है वही चीज है, बस तरीका अलग है। वहां पार्टनर आ रहा था, यहाँ पार्टनर जा रहा है, अब जाने पर क्या होगा वो वन बाय वन करके पॉइंट्स में डील करेंगे। क्या बच्चे बैठे बैठे भावुक हो जाते हैं? हाँ बोलिए। यस मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अविभाजित लाभ व हानियों का समायोजन। ठीक है, देखो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो इसमें यहां पर अपन जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसका कोई लेना देना नहीं उससे, समझ गए? उस केस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो भी अपन गुडविल का एडजस्टमेंट वैसे ही करेंगे जैसे बनी हो या नहीं हो। यहां जितने भी पॉइंट मैं वही कह रहा हूं, इन सब पॉइंट्स का उस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है या नहीं। क्लियर? पार्टनरशिप डीड का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से लेना देना होता है, बाकी किसी से नहीं। हाँ अब बोलो। मैंने क्या आपको उर्दू में बोला बेटा कि इसका रेशियो निकलेगा कैसे, वो आगे पढ़ेंगे अपन। आप क्या सोच रहे हो कि सर अभी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना बता दो? मैंने क्या बोला, फिलहाल सिर्फ याद ये रखना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं यहां, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हो, फिर कह रहा हूं सॉल्यूशन पे अभी नहीं जाना, सब एक साथ ही पढ़ा दूं, आज ही क्लास खत्म करा दूं, पूरा रिटायरमेंट भाई, आठ पॉइंट है, आप सोच रहे हो आठ के आठ एक बात बता दो तो जो 20 दिन चलने वाला चैप्टर है, 10 दिन चलने वाला चैप्टर है, वो भी खत्म करा दूं। ओवरव्यू, वही से ओवरव्यू का आप माइंड में डालने का ट्राई नहीं कर रहे हो। 9:30 फिक्स हो गया। अब देखो, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद गेन रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो जब पॉइंट आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है? हाथों हाथ इसको अपन को कवर नहीं करना। गुडविल का एडजस्टमेंट अभी आप चुप रहेंगे, ठीक है? गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी देखेंगे अपन, ठीक है? इसमें अकाउंटिंग करनी है, वैल्यूएशन करना है, चार चार पांच पांच पॉइंट्स है, समझ रहे हो? रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा, सेम वैसे बनता था वैसे बनेगा, वापस फिर भी समझाऊंगा ऊपर, ठीक है? एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा वो भी समझाऊंगा। हाँ देवेश जी बोलिए, जरूर लेके जाएगा, अभी आएंगे उस पॉइंट पे अपन, ठीक है? आपकी बात पे गौर फरमाया जाएगा। अब ध्यान दे इधर, एडजस्टमेंट हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है? अब लास्ट में पॉइंट क्या आता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जाएगा तो अपने पैसे लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? यस, तो इस केस में हम करेंगे पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर जा रहा है वो पैसे लेके भी कैसे जाएगा, इसके भी मेथड है, अभी नहीं बताऊंगा, कब करेंगे, ठीक है? पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये एक समस्या है, मैं पहले तो बता रहा हूँ समस्या है क्या, जैसे आप सब लोग हो तो समस्या है क्या पहले वो बताना जरूरी है, उसके बाद उसका निवारण करेंगे। हाँ तो है, निवृत्त साझेदार को भुगतान, ठीक है? और अब ये जो पॉइंट्स है ना, एक तो एकदम कॉमन से पॉइंट है, अब इसके साथ में अपने को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है कि जैसे अभी अभी योगिता ने कहा सर वो गुडविल कैसे लेके जाएगा, मर गया तो उसकी आत्मा तो आने से रही, होगा क्या उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसका या तो उसकी वाइफ आ सकती है, उसकी मदर आ सकती है, उसके फादर आ सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है, अब ये मत बोलना सर चाचा आएंगे चाची, अब क्या हम क्या भावुक ज्यादा हो जाते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी उसका रिलेटिव जिसका नाम उसने लिख रखा है नॉमिनी में, वो पर्सन आएगा, और वो जब पर्सन आएगा तो उसको हम क्या क्या चीज देंगे,
क्या पार्टनर बीच में कभी खत्म हो गया या वो साल के लास्ट डेट तक रुका, 31 मार्च तक रुक जाता हूँ उसके बाद जाऊंगा ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एडजस्ट हो जाए, या मिडल में निकल गया कि मुझे कोई मतलब नहीं है, सब मोह माया है, मैं तो अभी जा रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो जब रिटायर होगा तो उस केस में उसके रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव, इसी को अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटर। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। इसका अकाउंट कैसे बनेगा वो बोलेंगे। हाँ वो मर गया तो मैडम एक बात बताओ, आज मैं अकाउंट बना रहा हूं, मेरा कोई रिलेटिव है जिसको मैंने नॉमिनी बना दिया, अगर उसकी जैसे ही डेथ होगी तो क्या मैं दूसरा नॉमिनी नहीं बनाऊंगा? अब ये बात जरूर बोल सकते हो सर दोनों हाथों हाथ ही मर गए तो साथ में है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो बात अलग हो जाती है। नहीं हो तो सरकार के खाते में जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर का जो अपन को अकाउंट बनाना है, जिससे अपन हिंदी में कहेंगे वैधानिक उत्तराधिकारी, वैधानिक उत्तराधिकारी, तो ये है हमारा कंप्लीटली रिटायरमेंट चैप्टर। क्या है? कंप्लीट रिटायरमेंट चैप्टर, जिसमें अपन वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स अब वापस डिस्कस करेंगे। और अब जब पॉइंट आएंगे कि सर न्यू रेशियो कैसे निकालना है, तब आप अपनी खोपड़ी लगाएं कि सर अब बताओ कैसे होगा, अभी ना लगाएं, ठीक है। हाँ जानवी, जानवी क्या योग्यता? अब अपने को वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स देखने। बेटा सिर्फ यहाँ प्लेस आ रहा है इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्या पूरा बोर्ड ही नहीं दिख रहा है क्या? इतना बड़ा बोर्ड आपको एक लाइट ने खत्म कर दिया। चलो अब देखो इधर, अब अपन बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अच्छा न्यू रेशियो और इसके साथ ही अपन कंसिडर करने वाले गेन रेशियो, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आपको साथ में कराऊंगा क्योंकि दोनों पॉइंट साथ में चलने वाले, गेन रेशियो फायदे का अनुपात, फायदे का अनुपात। अब अपन बात करें कि नया पार्टनर जब आ रहा था उस टाइम अपन ने रेशियो दो तरीके से कैलकुलेट किए थे, ठीक है। पहला तरीका था जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया हुआ हो, और दूसरा जब सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ हो, सेम पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर अब अपन ये देखेंगे कि नया रेशियो निकाल रहे अपन, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जो कैलकुलेट करना है ये भी अपन दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट, इफ इफ गेन इज नॉट गिवन, वहां सेक्रीफाइस नहीं दे रखा था, यहां गेन की बात करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अपन हमेशा ना पुराने पार्टनर्स के बारे में सोचते रेशियो में। पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे? इनको इस बार फायदा होगा, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, तो कौन से पार्टनर ले लेंगे? पुराने पार्टनर, ठीक है। तो यहां आ रहा है पॉइंट इफ गेन इज नॉट गिवन, और बी पॉइंट क्या है? इफ गेन इज गिवन, अगर गेन नहीं दिया गया हो, यदि यदि फायदे के बारे में ना कहे, अगर गेन अपने को नहीं बताए, यदि फायदा दिया गया हो, यदि फायदा दिया गया, तो दो पॉइंट है हमारे पास में। पहला पॉइंट क्या है? अगर गेन रेशियो आपको गेन नहीं दिया हुआ हो और गेन दिया हुआ, जब आपको गेन नहीं दिया हो तो सबसे इजी हो जाएगा पॉइंट, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यानी यहां पर अपने को टोटल वन मान के भी सोल्व नहीं करना, तो यहां पर कैसे होगा? अभी वापस फर्स्ट पॉइंट अपन डील करेंगे। लेकिन अगर कभी आपको गेन दिया हुआ हो तो इस केस में हमारा लगेगा फॉर्मूला। एक चीज आप नोटिस कर लो, सेक्रीफाइस दिया हुआ था तो भी अपन फॉर्मूला लगा रहे थे न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और अब भी अपन जब गेन दिया होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, नया रेशियो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। बताओ मैंने प्लस क्यों लिखा?
वहां पर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे तो नए पार्टनर के आने पर उनका हिस्सा कम होता था, क्या होता था कम, इसलिए वो माइनस करते थे अपने पुराने हिस्से में से कि कितना हिस्सा दे दिया उसको हटा दो, बचा वो नया है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, और कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, जो भी हिस्सा वो छोड़ेगा वो कौन लेंगे, बाकी के पार्टनर, बाकी के मतलब रिमेनिंग, यानी कि कह सकता हूं ओल्ड। तो ओल्ड पार्टनर्स का उनका ओल्ड शेयर पहले क्या था प्लस उनको क्या मिल गया, इस दोनों को अगर अपन ऐड कर लेंगे तो अपना न्यू रेशियो आ जाएगा। आया समझ में? अब इसी के बेस पे मैं गेन रेशियो का भी एक फॉर्मूला बना रहा हूं। अपने वहां सेक्रीफाइस पढ़ा था, सेक्रीफाइस बराबर क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, गेन जस्ट उल्टा होता है, न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो गेन होगा न्यू माइनस ओल्ड। सिंपल सा पॉइंट है, गेन को इधर रहने दो, ओल्ड को इधर ले आओ, न्यू माइनस ओल्ड। तो कह सकते हैं गेन रेशियो अगर आपको निकालना है तो गेन रेशियो का फॉर्मूला बन गया, क्या बना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर मुझे ये निकालना है कि किस पार्टनर को कितना फायदा हुआ, गेन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, अभी क्या मिल रहा है माइनस पहले क्या मिलता था, बस दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, गेन, सब गिवन होगा। अगर आपको गिवन होगा तभी तो आप कैलकुलेट करोगे, अगर गिवन नहीं होगा तो पहले अपन को न्यू निकालना है। एक चीज क्लियर करो, अगर ये दोनों चीजें दे रखी होगी तो सीधा लिखेंगे, नहीं दे रखी होगी तो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है? तो बताओ न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ध्यान रखना एडमिशन वाले में और इसमें जस्ट उल्टा होता है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एडमिशन से बाहर ही नहीं आ पाते, बेटा एडमिशन हो गया खत्म, अब हो रहा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होगा, वो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस अपना अप्लाई करो। नया हिस्सा क्या होगा मेरा, भाई पहले मुझे क्या मिलता था, अब जो पार्टनर चला गया उसने मुझे क्या दिया वो भी जोड़ लूंगा, तो मेरा न्यू शेयर आ जाएगा। क्लियर? तो न्यू बराबर क्या है, ओल्ड प्लस गेन। ये कब लगेगा फॉर्मूला, अगर गेन गिवन हो, अगर गेन गिवन नहीं हो तो क्या होगा न्यू रेशियो, वो अभी अपन डील करते हैं। पहले एक बार फटाफट इस डायग्राम को छाप दो योगिता। अब बात करें पहले कि इन टॉपिक को है ना आप ओरल ही नहीं समझ सकते, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है बेटा ये ऐसे ऐसे होगा यूं, ले लो बेटा यूं करके ठीक है घर में लगा के चला जाएगा, समझ में कुछ आना नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको अपन देखते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो थियोरटिकल में कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप समझोगे ना तो ही होगा। अब इसका मतलब क्या, पहले तो इफ गेन इज नॉट गिवन, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है दो पार्ट, तीन पार्टनर से, कितने पार्टनर से, तीन, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए बी और सी पार्टनर थे, इनका रेशियो आपको दे दिया क्वेश्चन में 2:2, 2:1, 2:2, 1। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए फर्म से हो गया रिटायर, ए फर्म से रिटायर हो गया, इसने ये नहीं बताया कि इसका जो हिस्सा है ये ए का 2/5। पहली चीज तो बताओ जो 2/5 है इसका क्या करेंगे, बाकी के पार्ट मिल लेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता है ए सेल ही शेयर, ए ने अपना हिस्सा बेच दिया किसको, बी और सी को, तो इसका मतलब भी क्या है, वो अपना हिस्सा देके जा रहा है, तो सेल से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर बिजनेस थोड़ी बेच के जा रहा है, हिस्सा देना भी तो सेल करना हुआ, जिसके बदले वो गुडविल लेगा। अब गुडविल कैसे लेगा वो देखते हैं। पॉइंट ये आ रहा है कि ए फर्म में पार्टनर था बी और सी के साथ में, ए फर्म से चला गया और सीधा क्वेश्चन ने बोल दिया बताओ न्यू रेशियो क्या होगा, क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी ये बोला क्या कि ए अपना कितना हिस्सा बी को दे रहा है, कितना सी को दे रहा है, या बी और सी कितना हिस्सा ए से ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बोला, इसका मतलब बी और सी का गेन नहीं बताया, नहीं बताया ना, सीधा क्या बोल दिया न्यू रेशियो। अब इस केस में हमारा न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहां, सबसे इजी पॉइंट यही है, हमें क्या करना है, न्यू में कौन बचे, बी और सी, ये बचे, बी का कितना था पहले 2/3, 1/3, यही था पहले पक्का, तो इनका न्यू रेशियो जो है वो बी और सी का वो हो जाएगा 2:1, बस खत्म। अगर क्वेश्चन गेन नहीं दे तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन गेन नहीं दे
तो इस केस में जो पार्टनर जा रहा है उसको हटाओ और जो बच गए उनका वही रेशियो हो जाएगा। वो देगा ना, तो उसके हिस्से को पता है इन बाकी के दोनों पार्टनर्स ने अपने इसी रेशियो में लिया होगा। आया समझ में? इसलिए इनके रेशियो के बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। 2-2-1 यही है। अब मैंने कहा ये जो पार्टनर अपना हिस्सा बेच के गया, या पहले पार्ट ए बी और सी, तीन पार्टनर्स थे ए बी और सी, हमने कहा इन सबको 15-15 क्या मिलते थे? टमाटर मिलते थे। क्या मिलते थे? टमाटर। तो क्या इन सब का रेशियो इक्वल था? इक्वल था। अब मैंने कहा ए फर्म से चला गया और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बाकी के पार्टनर अपने पुराने अनुपात में ही, पुराने रेशियो में क्या करें? गेन करें, गेन। तो अब फ्यूचर में बी और सी जो है उनको ही टमाटर मिलेंगे। अब मुझे बताओ, पहले टोटल मिलाकर 45 टमाटर मिलते थे, वही 45 इन दोनों में बांटूंगा आपने। अब बताओ बी को कितने मिलेंगे? 22.5। सी को भी कितने मिलेंगे? 22.5। क्या इन दोनों के बीच में अभी भी रेशियो 1:1 है? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ नहीं बोलता है, तो ये अपन एज्यूम करके चलते हैं कि पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही गेन करेंगे। तो इनका नया हिस्सा क्या आया? 22.5। ये क्या नया है? क्या आया? नया हिस्सा आया। इनका गेन क्या होगा? इक्वल। भाई इसने भी तो 7.5 लिए, इसने भी 7.5 लिए। आ रहा है समझ में? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो उस केस में अपन ये मान के चलते हैं कि इन दोनों ने पुराने वाले पार्टनर का जो हिस्सा लिया होगा वो अपने पुराने अनुपात में, पुराने रेशियो में लिया। अब मुझे बताओ यहां पर भी दोनों के बीच क्या था? 1:1। और यहां पर भी क्या आया? 1:1। इसलिए जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहे गेन के बारे में, क्या बोला मैंने? गेन के बारे में कुछ नहीं कहे, तो इतनी लंबी माथापोड़ी अपने को नहीं करनी। जो पार्टनर गया उसको हटाओ और बाकी के पार्टनर्स का पुराना वाला ही नया हो जाएगा। अब बोलिए मैडम, कितना लेना? बोलो, ये लो 20-15, ये लो 5। ठीक है, क्लियर है? पक्का? कंफर्म? नहीं, एक बार लॉक कर दे। अब ये 20 जो हिस्सा लेके गया, इनके बीच में पहले रेशियो क्या था? 3:1 यही था। इस 20 को भी अपन क्या करेंगे? 3:1 में बांटेंगे। तो 20 × 3/3:1 मतलब क्या हो गया? 3/4। ये कौन लेगा? बी। ध्यान से देखना भाई, सी कितना लेगा? 20 × 1/4 ये लेगा। अब बताओ ए कितना ले रहा है? 4 का इसमें भाग दो, 5 × 3 = 15। और ये कितना ले रहा है? 5। अब देखना, 15 में 15 तो इसने ले लिए, 5 इसने ले लिए। अब शेयर क्या है? 30 और 10। अभी भी इन दोनों के बीच काटोगे तो रेशियो क्या आएगा? 3:1। तो क्यों रामायण कर रही हो मैडम? सन्ने शॉर्ट में समझाया, अच्छा नहीं लगा आपको? समझ रहे हो? चलिए, कॉन्सेप्ट यही कहता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने आपको फर्स्ट लाइन में समझाया, कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में क्या हो गया? ठीक है, इमरजेंसी लॉक क्या आ गया? नहीं, फोन बंद होने वाला है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। तो वापस समझना, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या करोगे? ए बी सी तीन पार्टनर है, जो पार्टनर जा रहा है उसको हटाओ, बाकी के पार्टनर्स का वही रेशियो होने वाला है। ठीक है, बुक निकालो फटाफट, होमवर्क दे रहा हूं ना। क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन निकालो। नहीं, पहला क्वेश्चन, आवाज नहीं, आवाज नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आपके इसमें रेशियो के, तो क्वेश्चन दिए हुए ही नहीं है। एग्जाम्पल निकालिए आप, अभी बताते। पेज नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? नहीं मिला तो इधर ध्यान दे। तीन पार्टनर थे, मधु, नेहा, टीना। इनका रेशियो दिया 5, 3 और 2। अब क्वेश्चन सीधा कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो, पीछे तीनों खड़े रहो। वेरी गुड,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हमें नया रेशियो निकालना है। सुनो, अब क्वेश्चन ने तीन सिचुएशन दी। सिचुएशन नंबर वन, पहला कह रहा है अगर मधु रिटायर हो तो क्या होगा। हमने कहा ठीक है, मधु क्या हो रही है रिटायर, तो सॉल्यूशन बताओ फटाफट। मधु गई ना, हटाओ मधु को, कौन बचा, नेहा और टीना। क्या रेशियो आएगा, 3:2। अब गहनता में नहीं जाना अपने, सर कैसे आया, क्यों आया, समझ में आ रहा है। बी पॉइंट बोला, क्वेश्चन कह रहा है नेहा रिटायर हो तो नेहा को हटाओ, मधु और टीना बची, मधु और टीना का ये रहा। मजा आप लेना ही नहीं चाह रहे हो, आप क्या है कि सोचना चाह रहे हो अभी सब कुछ हो जाए। टीना रिटायर हो गई, कौन बचा, मधु और नेहा। क्या था मधु और नेहा का, अब क्या था इस क्वेश्चन में, बस हाँ।